योगुष्वात्मा विधित विषयान् प्राश्च भोगान् स्थविष्टान् पश्चाच्चन्यान् स्वमति विभवान् ज्योतिषास्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पातु असौ नमस्तु धियः आगम प्रकरण का विचार करते हुए अभी हम लोग सातवां मंत्र के ऊपर गोरपादाचार्य जी ने जो विशेष दृष्टि खुलाया उसको दिखा रहे हैं। देखो कि जागृत और स्वप्न इन दोनों कार्य और कारण दोनों से बंधा हुआ है और प्रार्थना तो केवल मंत्र कारण से बंधा हुआ है और तुरीय में ये दोनों ही नहीं है, कार्य भी नहीं है, कारण भी नहीं है, ये मुख्य से और क्योंकि स्टूडियो हमेशा एक रूप है वहाँ से कभी कार्य करना संभव भी नहीं, कारण तो वहाँ पे है नहीं। अब फिर क्या बोला कि जागृत स्वप्न अलग हो गया, अब तुरीय और प्राग्ञ के लिए चिंता तुलना कर रहे हैं। तुरीय और प्राग्ञ तुलना करते बोलते दैत्य अग्रहणम तुल्य, सुषुप्ति अवस्था में भी भेद का ग्रहण नहीं होता, ज्ञान अवस्था में भी भेद का ग्रहण नहीं होता, ठीक है, परंतु सुषुप्ति अवस्था बीज निद्रा से जुड़ा हुआ है तो तुरीय में क्या है बीज निद्रा नहीं है। क्यों ऐसे संकल्प ऐसा श्लोक लिखा, क्योंकि कोई बात अनुमान की तरह ये सिद्ध करना चाहते हैं कि तुरीय विवादास्पद जो तुरीय वो कारण मतलब बीज से जुड़ा हुआ है, क्योंकि द्वैत का अग्रहण दोनों में बराबर होने के कारण जैसा प्राग्ञ में द्वैत का ग्रहण नहीं होता इस प्रकार तुरीय में भी द्वैत ग्रहण नहीं था, जैसा इसलिए प्राग्ञ में जैसा बीज अवस्था है ऐसा तुरीय में बीज अवस्था होगा। इस प्रकार से अनुमान करने पर सिद्धांत पक्ष बोल रहे नहीं नहीं तुरीय तो सर्वधिक सदा, वो तो हमेशा एक ही रूप है, दृष्टा रूप है, वो उसमें कभी भी कोई मतलब कार्य कारण भाव अथवा कभी रहा कभी नहीं रहा ये व्यभिचार कभी नहीं होता। कल इसका भाष्य टीका में देखिए प्राग्ञस्य पेज 58 इस अनुमान में उपाधि दोष दिया और वाद दोष दिया। उपाधि दोष मतलब आपका व्यक्ति में असिद्धि है, व्यक्ति सही नहीं है आपका, उपाधि की परिभाषा दिए थे साध्य व्यापक सती साधन अव्यापकत्व, ठीक है ना, जो साध्य का व्यापक हो परंतु साधन का व्यापक ना हो, इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं कि ये घट रहा है कि नहीं घट रहा है, दृष्टांत में साध्य और हेतु दोनों बैठा हुआ है वहाँ पे उपाधि बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है वो देखो, तब हो जाएगा साध्य व्यापक। और पक्ष में संदिग्ध साध्यमान पक्ष वहाँ पे साधन संदेह है, साधन होगा तो वहाँ पे हमारे उपाधि को नहीं बैठना चाहिए, उपाधि नहीं बैठना चाहिए वहां पर। तो यहाँ पे उपाधि दिया था नियत पूर्व भावित्वा, मतलब भगवान वास्तव होता है बीज निद्रा युतत्वा कार्यक्रम ये बोला था। यहाँ पे जो इस पंक्ति में देखिए प्राग्ञस्य उत्तर भावी प्रतिबोधादि कार्य अपेक्षा है, प्राग्ञ क्या होता है उत्तर भावी कार्य क्या है उनका, प्राग्ञ का उत्तर भावी कार्य क्या है जागृत स्वप्न उत्तर भावी कार्य, प्राग्ञस्य उत्तर भावी प्रतिबोध आदि कार्य जगना जागृत अवस्था प्रतिबोध मतलब जागृत आदि मतलब स्वप्न दोनों में बोध होता है, इस कार्य की अपेक्षा से नियत पूर्व भावित्व ये जो उसका ठीक पहले रहना है हम ठीक किंतु कार्य से नियत पूर्व वृत्तित्व कारण ये कारण का परिभाषा है उसका ठीक पहले रहना कारणबद्धत्व प्रयोजक, ये जो कारणबद्धत्व नियत पूर्व भावित्व यत्र यत्र नियत पूर्व भावित्व तत्र तत्र कारणबद्धत्व ये है व्यक्ति, यह है व्याप्ति। तुमने क्या व्याप्ति कर दिया था कि जत्र जत्र द्वैत अग्रहणम तत्र तत्र कारणबद्धता, ये व्याप्ति सही नहीं है, समझ में आ रहा है क्या कहना चाहते हैं, फंडामेंटल कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। सिद्धांत पक्ष बोल रहे हैं जहाँ जहाँ क्या होता है कि नियत पूर्व भावित्व सामान्य परिभाषा ही दिया कार्य से नियत पूर्व वृत्तित्व का वहाँ कारणबद्धता होता है, वहाँ कारण होता है, और आपने क्या हेतु दिया कि वहाँ पे जहाँ द्वैतों का ग्रहण नहीं है वहाँ पे कारणबद्ध होते, इसलिए आपका व्याप्ति सही नहीं है, आपका व्याप्ति सही नहीं है, तो व्याप्ति क्या हो जाएगा जत्र जत्र साध्य व्यापकत्व सति, साध्य क्या है हमारा जहाँ जहाँ कारणबद्धत्व है वहाँ वहाँ क्या होता है कि नियत पूर्व भावित्व होता है,
जो कारण होता है वो नियत पूर्व भावी होता है, मतलब क्या, जो कारण होता है वो नियत पूर्व भावी होता है, यह है विभक्ति। सही है, ये व्यक्ति मतलब अनुमान में आपको उपाधि दोष लग जाएगा। उपाधि दोष लगने से क्या हो जाएगा कि आपको अभिव्यक्ति आपका जिसको उपाधि दिया, ठीक है ना, और उपाधि में क्या होगा, यह का हेतु हो गया। तो उपाधि मतलब उपाधि के अभाव से साध अभाव सिद्ध हो जाएगा। तुरियों में नियत तो पूर्वभावी तो नहीं है, फल तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे कारणबद्ध तो भी नहीं होगा, उपाधि भी नहीं, हाँ उपाधि नहीं है, इसलिए वहाँ साध भी सिद्ध नहीं, उपाधि मतलब हेतु, इसलिए वहाँ पे सिद्ध नहीं। मुख्य रूप से उपाधि देने का रूप यही रहता है कि पक्ष में जो साध को सिद्ध करना चाहते वो साध का अभाव सिद्ध हो जाएगा, साध का अभाव सिद्ध हो जाता है। यहाँ पे बोले थे कल हम उसको पढ़ लिए थे, प्राज्ञ से उत्तर भावी प्रतिबोधाधिकार, प्राज्ञ का उत्तर भावी, प्राज्ञ का उत्तर भावी कहा जो है जागृत स्वप्न, उसमें जो बोध होता है उसकी अपेक्षा से नियत पूर्व भावितम, उसके ठीक पहले रहने के विद्यमानता है कारणबद्धत्व प्रयोजकतम, प्रयोजक मतलब वो कारण के द्वारा बंधा होते वही हेतु होता है। न च तुरीयस्य तदस्ति, तुरीय में नियत पूर्व भावित्व नहीं, वो हमेशा एक रूप है, होता है तुरीय से तदस्ति इति अप्रयोजक हेतु, इसलिए आपका ये हेतु जो अप्रयोजक मतलब अपना साध को सिद्ध नहीं कर पाएगा, इसलिए भगवान भाष्यकार वहां बोले थे जस्मात बीज निद्रा जुत, ठीक है ना, बीज निद्रा जुत तत्व अप्रतिबोध निद्रा, क्योंकि बीज निद्रा क्या है, तत्व का यथार्थ ज्ञान नहीं, तत्व निर्देशक होता है, बीज निद्रा से जुड़ा हुआ कौन है, प्राज्ञ, बीज निद्रा से जुड़ा हुआ प्राज्ञ है, इसलिए वहां पे कारणत्व तो बैठेगा, परंतु बीज निद्रा से जुड़ा हुआ तुरीय नहीं, तुरीय किसी का बीज नहीं है, इसलिए वहां पे कारणत्व नहीं बैठेगा, ये अभिप्राय है। किंच ये पढ़ लेते हैं तुरीयस्य विशिद्ध चित धातुत्व प्रसाधन प्रमाण बाधा, तुरीय को कैसे दिखेगा, शुद्ध एक चेतन तत्व है, प्रज्ञान घन एव, उसमें कुछ भी विरुद्ध तत्व नहीं है, विरोधी तत्व कुछ भी नहीं है वहाँ पे, इसलिए यहाँ पे ये जो आपने बोला था कि इसमें कारणत्व रूप धर्म ये नहीं है वहाँ पे, ये कालत्व मतलब बाद दोष की तरह का शुद्ध होता है ना, अप्रमाणांतर से बाधित होता है, श्रुति प्रमाण इसको सब कार्य कारण से पीछे दिखा रहे हैं, अंत प्रज्ञा भय प्रज्ञा उभय प्रज्ञा 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 का निषेध कर रहे सब, इसीलिए वहाँ पे श्रुति प्रमाण के बल से आपका ये अनुमान भी बाधित हो जाएगा। इसके लिए होते हैं काल अत्यय व्यापदिष्ट हेतु, मतलब काल बाद दोष की तरह प्रसिद्ध है आपका हेतु इति आह, उसको मन में रखते बोलते सदा वृक्ष भाव हमेशा दृष्टा रूप होने के कारण उसमें कारण तत्व धर्म नहीं है। अब जो है अब देखिए हमारा हेतु इसका उपाधि का परिभाषा क्या था, साध व्यापक साधन अव्यापक, मतलब जहाँ साधन हो वहाँ पे आपका उपाधि नहीं बैठे। तो कोई कहते उपाधि ने जो अपना दिया नियत तो पूर्व भावितम, और यहाँ पे हेतु क्या दिया था अनुमान में द्वैत अग्रहणत्व, द्वैत अग्रहण मतलब क्या हो जाएगा, जहाँ द्वैत अग्रहण है वहाँ पे नियत पूर्व भावित्व होगा, ये है ही नहीं, जहाँ द्वैत का अग्रहण है वहाँ पे नियत पूर्व भावित्व, साधन जहाँ पे है वहाँ पे हमारा उपाधि नहीं बैठता, ये होना चाहिए। तो बोलते हैं न च पूर्वक तो उपाधे, जो उपाधि हमने उसका साधन व्याप्ति ही, उसमें साधन के साथ उसका व्याप्ति है ये नहीं कह सकते, साधन क्या हो गया आपका कि द्वैत अग्रहण है ना, उसके साथ इसका व्याप्ति है, किसका व्याप्ति है नियत पूर्व भावित्व, ये व्याप्ति नहीं है वहाँ पे। न च पूर्वोक्त पूर्वोक्त उपाधे साधन व्याप्ति, क्योंकि तुरीयस्य उत्तर भावी कार्य अपेक्षाया अनियत प्राग भावित्व अभाव, पूर्वभावी कार्य की अपेक्षा से नियत पूर्ववित्व तुरीय में नहीं है, तुरीय में नहीं है, इसलिए यहाँ पे उसके साथ इसका व्याप्ति नहीं है। न च पूर्वोक्त उपाधे, पूर्वोक्त उपाधि मतलब नियत पूर्वभावित्व उपाधि, इस उपाधि के साथ साधन व्याप्ति, साधन मतलब आ गया द्वैत अग्रहण, जहाँ द्वैत अग्रहण है वहाँ पे साध व्यापक सभी साधन अव्यापक, साधन हो गया आपका द्वैत के अग्रहण, जहाँ द्वैत अग्रहण होगा वहाँ हमारा नियत पूर्वभावित्व रहेगा। यदि हम ऐसा कहें तो बोलते ऐसा नहीं बोल सकते हो, वहाँ पे क्या होता है पूर्व पर भाव ही नहीं है, क्योंकि तुरीय के ऊपर काल भी कल्पित है, पूर्व उत्तर भाव जो हम काल की कल्पना करते हैं वो भी कल्पित है तुरीय के ऊपर, इसलिए तुरीय में जो है काल भी नहीं है, इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि न च पूर्वक उपाधि साधन व्याप्ति तुरीयस्य उत्तर भावी कार्य अपेक्षा है, उत्तर भावी कार्य की अपेक्षा से नियत अपेक्षा है नियत प्राग भावित्व अभाव, ठीक उसके पहले रहना वो हमेशा एक रूप में रहता है, हमेशा एक रूप में रहता है, इसलिए बोलते हैं तुरीयस्य उत्तर भावी कार्य। यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा आपका प्राग्ञ उत्तर भावी कार्य अपेक्षा से वहाँ पे क्या होता है नियत पूर्व भावित्व रहता है,
प्राग्ञ, परंतु तुरीय में उत्तर भावी कार्य की अपेक्षा से यह तो पूर्व भावित तो नहीं रहता, इसी देखो हमेशा एक रूप है। न च पूर्वक तो उपाधि साधन व्याप्ति तुरीय से उत्तर भावी कार्य अपेक्षा, क्यों नियत प्राग भावित तो अभावी, इसको हेतु दे दिया। नियत प्राग हमेशा पहले रहेगा, ये बात नहीं, हमेशा एक ही रूप रहेगा, हमेशा एक ही रूप रहेगा, इस वजह से बोलते इति मत आहुष को मन में रखते बोलते वो देखिए तब तो अप्रतिभूत लक्षण निद्रा तुरीय न विद्यते, तुरीय हमें तो ज्ञान सुविधा में अंधेरा कहाँ से होगा, ज्ञान में अज्ञान कहाँ से रहेगा, इसीलिए वहाँ पे कभी भी ऐसा प्राग निर्दिवृत्ति तो होना संभव ही नहीं है। तब तो अप्रतिबोध लक्षण निद्रा तुरीय न विद्यते, बीज अवस्था तुरीय में नहीं है, तुरीय किसी का बीज नहीं है, अज्ञान ही बीज है, तुरीय किसका सृष्टि के हेतु नहीं है। इति मत आह तत्व अप्रतिबोध लक्षण निद्रा तुरीय न विद्यते, इस प्रकार से आपके पास कितना दोष दे दिया इस अनुमान में, विमतम कारणबद्धम द्वैत अग्रहणत्वा प्राग्भवत, इस अनुमान में दो दोष, एक उपाधि दोष भी दिया और एक बाध दोष, दो दोष थे, इसलिए यहाँ पे बोलते हैं दोष द्वयवत्वेन, दो दोष वाला हो गया आपका अनुमान, दो प्रकार की हेतु आवास यहाँ पे लग रहे हैं, दोष द्वयवत्वेन दो दोष वाला होने के कारण अनुमानस अमानत्य, अनुमान जो है कोई प्रमाण से आपका अपने साधु को सिद्ध नहीं कर, प्रामाणिक अनुमान नहीं है ये, अनुमानस अमानत्य फलितम अहो, इसका निष्कर्ष क्या निकला बोलते हैं अत न कारणबद्ध तस्मिन इति अभिविश्लेषित, तुरीय में कारणबद्धत्व नहीं है, ये अभिप्राय है, ये तुरीय में कारणबद्धत्व नहीं है। देखिए इस श्लोक एक अनुमान है, कितना सुंदर श्लोक लिखेंगे, से द्वैतस्य अग्रहणम तुल्यम उभयोर प्राग्म तुरीयो, ठीक है ना, तुरीय को पक्ष बना दिया, प्राग्म को दृष्टांत बना दिया, द्वैतस्य अग्रहणस्य मतलब द्वैत अग्रहणत्वात्, तब क्या हो जाएगा कि इसे प्राग्ञ में क्या हो जाएगा, कारणबद्धत्व आएगा, परंतु क्या बोलता है बीज निद्रा जिता प्राग्ञ सच तुरीय न विद्यते, क्योंकि तुरीय में क्या नहीं है, बीज निद्रा नहीं है, मतलब अज्ञान कभी नहीं, इसलिए वो जो है मतलब उसमें कारणबद्धता नहीं है, उसमें कारणता नहीं है, जगत की कारणता नहीं है, आपको अजात बात सिद्ध करते हैं ना, हम लोग तो माया के द्वारा हम मान्यता दे देते हैं, हम क्या बोला कि वेदांतिक सिद्धांत के अनुसार माया कोई अलग वस्तु नहीं है, अधिष्ठान की अज्ञानी माया है, अधिष्ठान की अज्ञानी माया है, रोहित भिन्न भिन्न रूप में कल्पना करने में मजबूर कर देता है संस्कार के अनुसार, है ना, जैसे रज्जु का ज्ञान नहीं है, रज्जु का ज्ञान नहीं होने के कारण ही आप पूछ सकते जल छड़ा माला दंड सर्प कितना कल्पना कर देते हैं। अब देखिए आगे बोल रहे हैं टीका में, कार्य कारण बद्धौ तौ इत्यादि श्लोकोक्तम अर्थम अनुभव अवश्यम भेलम प्रपंचयति, पहले क्या बोलकर क्या है था कार्य कारण बद्ध 13 नंबर में लिखे 13 नंबर सबको बोलो क्या बोला है वहां पे, इसी को यहाँ पे बोलते हैं कार्य कारण बद्ध, इस श्लोक में बोल करके आया था, ठीक है ना, नंबर 11 इस श्लोक में बोल करके आया था, इत्यादि श्लोकोक्तम अर्थ, इस श्लोक में जिस विषय को कहा गया है, इस श्लोक में जिस विषय को कहा गया है उसको अनुभव अवश्यम है ना, वो श्लोक जो कहा वो आप अनुभव कर सकते हैं, उस अनुभव के आधार पर उसी को थोड़ा विस्तार करते हैं। प्रपंच यति कार्य करण बद्ध इत्यादि श्लोकोक्तम अर्थम का, ये नंबर 11 श्लोक में जो कुछ कहे कर गया उस विषय को अनुभव अवश्यम है ना, आपके अनुभव के आधार पर प्रपंच यति थोड़ा विस्तार करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भाष्यकार बोलते हैं स्वप्न अन्यथा घनम स्वप्न सर्प एव रज्जम, तो हम श्लोक को पढ़ लेते हैं पहले, स्वप्न निद्रा निद्रायतावाद्धौ स्वप्न निद्रायतावाद्धौ प्राज्ञस्व स्वप्न निद्रया
प्राज्ञः स्वस्वप्ननिद्रया न निद्रां नैव च स्वप्नं तुर्ये पश्यन्ति निश्चिताः। आद्यो कौन आ गया? विश्व और तेजस, ये दोनों क्या होता है? स्वप्न और निद्रा, अवग्रहण और अन्यथा ग्रहण दोनों से जुड़ा हुआ है। कौन? व्यष्टि स्थूल शरीर अभिमानी चेतन हो गया आपका विश्व, और व्यष्टि सूक्ष्म शरीर अभिमानी चेतन हो गया तेजस, है ना। तो इन दोनों से जुड़ा हुआ है क्या? तत्व का अवग्रहण और अन्यथा ग्रहण, ठीक है ना। तत्व का अग्रहण अन्यथा ग्रहण, एक तत्व का निद्रा और स्वप्न, इसलिए बोलते हैं स्वप्न हो गया अन्यथा ग्रहण, निद्रा हो गया अग्रहण, ठीक है। स्वप्न हो गया अन्यथा ग्रहण और निद्रा हो गया अग्रहण, क्योंकि अग्रहण जिस प्रकार निद्रा में ही आप स्वप्न देखते हैं, ठीक है ना, मतलब निद्रा स्वप्न के लिए हेतु होता है, उसी प्रकार से अग्रहण ही अन्यथा ग्रहण के लिए हेतु होता है। अग्रहण रज्जु का अग्रहण ही रज्जु को सर्प रूप में देखने के लिए मजबूर करता है, यदि ठीक से देख लेते तो भ्रांत होता ही नहीं। इसलिए बोलते हैं स्वप्न निद्रा युतो आद्यो, मतलब अग्रहण स्वप्न हो गया अन्यथा ग्रहण, और अग्रहण इन दोनों से जुड़ा हुआ है, बीज और फल से जुड़ा हुआ है। कौन? विश्व और तेजस। प्राज्ञस्तु अस्वप्न निद्रा, परंतु प्राज्ञ कैसे है? उसके पास स्वप्न तो नहीं है परंतु निद्रा है, अन्यथा ग्रहण नहीं है परंतु अग्रहण है। प्राज्ञस्तु, परंतु प्राज्ञ तो अस्वप्न निद्रा है, ठीक है ना। स्वप्न रहित निद्रा, स्वप्न रहित निद्रा मतलब कहते हैं डीप स्लीप, जिस समय आप स्वप्न नहीं देखते इसे डीप स्लीप, ठीक है ना, इसको सुषुप्ति बोलते हैं। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं मतलब वहाँ पे अन्यथा ग्रहण नहीं हो रहा है, मैं शरीर हूँ, इस शरीर के साथ संबंध रखने वाला किसी के साथ कोई संबंध नहीं हो रहा है, परंतु अज्ञान जो है मैं कुछ नहीं जाना, इसलिए अस्वप्न निद्रा ये तो इसके साथ जुड़ा हुआ है। परंतु न निद्रा नैव च स्वप्नम, परंतु तुरीय अवस्था में, तुरीय मतलब जो तुरीय अवस्था, उसमें न अग्रहण है न अन्यथा ग्रहण है। निद्रा मतलब अग्रहण, स्वप्न मतलब अन्यथा ग्रहण। तुरीय में तो न निद्रा है न मतलब अग्रहण भी नहीं है, अन्यथा ग्रहण भी नहीं है, नहीं है। इस प्रकार से निश्चित तुरीय का स्वरूप निश्चय कर लिया जिन लोगों ने, वो लोग ऐसे ही अनुभव करते हैं, पश्चिम मतलब ऐसा अनुभव करते हैं, दृश्य धातु को पश्च आदेश हो जाता है। देखिए प्रेजेंट टेंस में बोल रहा है, मतलब कि आज भी यूनिवर्सल ट्रुथ, मतलब आज भी यदि कोई इसको अनुभव करेगा तो इस प्रकार से अनुभव करेगा। जिस प्रकार हम लोग बोलते हैं सन राइजेस इन द ईस्ट, इट्स एन यूनिवर्सल ट्रुथ, प्रेजेंट टेंस में ब्लड लगा भी प्रयोग होता है उसका। तो यहाँ भी ऐसे ही है कि जो कोई भी व्यक्ति तुरीय को हर में उसको बोल देगा निश्चय होगा, तो ऐसे ही होगा, आज भी ऐसे ही है। ये नहीं कि सत्य युग में कोई भिन्न प्रकार का अनुभव, आज भिन्न, ऐसा नहीं होगा, एक ही प्रकार का। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं स्वप्न निद्रा युद्ध आदो, पहला दोनों से जुड़ा हुआ है, स्वप्न और निद्रा मतलब अग्रहण अन्यथा ग्रहण, मतलब कह जाएगा फल और बीज भाव से जुड़ा हुआ है विश्व और तेजस। प्राज्ञस्तु अस्वप्न निद्रा, परंतु प्राज्ञ तो निद्रा है, अग्रहण है परंतु अन्यथा ग्रहण नहीं है। प्राज्ञ में अग्रहण है अन्यथा ग्रहण नहीं है, अज्ञान है परंतु वहाँ पर कुछ बोध नहीं हो रहा है। और परंतु तुरीय में क्या है कि निद्रा भी नहीं है, स्वप्न भी नहीं है, अग्रहण भी नहीं है, अन्यथा ग्रहण भी नहीं है। कौन लोग समझते हैं? तुरीय तत्व को निश्चय किया जो लोगों ने, उसको ऐसे अनुभव किया, ठीक है, उन लोगों ने ऐसे अनुभव किया। अब देखिए यहाँ पे कि भाष्यकार स्वप्न अन्यथा ग्रहणम सर्प इव रज्जम, स्वप्न मतलब ऊपर मूल में शब्द है स्वप्न, वो क्या बोलते, स्वप्न मतलब कहते हैं अन्यथा ग्रहण, ठीक है ना। क्या अन्यथा ग्रहण क्या हुआ? जैसे रज्जु में सर्प दिखाई देता है, ठीक है, पहले भाष्य को पढ़ लेंगे फिर टीका में आएंगे, भाष्य जिस पद हो जाएगा सिर्फ भाष्य में, स्वप्न अन्यथा ग्रहण सर्प इव रज्जम, जिस प्रकार रज्जु में सर्प दिखाई पड़ता है, इसी प्रकार से स्वप्न मतलब आत्मा में तुरीय में बाहर वस्तु दिखाई पड़ता है। निद्रोक्ता तत्व अप्रतिबोध लक्षणम तम इति, और निद्रा किसको कहते हैं? निद्रा के बारे में ये कथन करते हैं कि तत्व अप्रतिबोध लक्षणम, तत्व के अज्ञान से जरा लक्षित होता है जो अज्ञान, तत्व के अप्रति तत्व का बोध नहीं हो रहा है, इसके द्वारा लक्षित होता है जो अज्ञान। तत्व अप्रतिबोध लक्षणम तम, तत्व का बोध नहीं हो रहा है इसके द्वारा लक्षित होता है जो आवरण, उसके हमें निद्रा शब्द के द्वारा बोले, निद्रा ही ताभ्याम, इन दोनों के द्वारा स्वप्न और निद्रा, इसलिए होता है स्वप्न निद्राभ्याम मतलब अग्रहण और अन्यथा ग्रहण, ठीक है ना, इन दोनों से जुक्त जुड़ा हुआ है कौन? विश्व, ठीक है ना। हास्यता की पंक्ति बिल्कुल सरल है इसमें,
और बिल्कुल प्रॉपरली समझाने के लिए बोलते हैं ऐसा। अतः तो कार्य कर्म बंधु इति, इसीलिए उसको जो पहले बोल करके आते कार्य और कर्म दोनों से बंधा हुआ है, इसलिए ऐसा मान लो कहकर पहले कह करके आया। अतः क्योंकि वहाँ पे स्वप्न और निद्रा दोनों से जुड़ा हुआ है कौन, विश्व और तेजस, इसीलिए यहाँ पे स्वप्न हो गया आपका कार्य और निद्रा हो गया कारण, स्वप्न हो गया फल, निद्रा हो गया बीज, ठीक है ना। इस प्रकार से यहाँ पे बोलते हैं अतः तो कार्य कारण बंधो इति उक्त, परंतु प्राज्ञस्तु स्वप्न वर्जित केवल एव निद्रया युत। परंतु प्राज्ञ क्या है, स्वप्न से वर्जित है परंतु निद्रा से जुड़ा हुआ है, स्वप्न से वर्जित है परंतु निद्रा से जुड़ा, मतलब अन्यथा ग्रहण नहीं है परंतु अग्रहण है, युत ठीक है ना। प्राज्ञस्तु स्वप्न वर्जित केवल एव निद्रया युत, यु धातु से अगादि करके धातु है, मिष्टन अमिष्टन यो दो अर्थ में आता है, से जुड़ा हुआ है। इति कारणबद्ध, इसलिए प्राज्ञ को कारणबद्ध बोला गया था, इति उक्तम ठीक है ना। उभयम न पश्यन्ति तुरिये, न उभयम पश्यन्ति तुरिये, ठीक है ना, परंतु तुरीय में ये दोनों को ही नहीं देखते। उभयम न पश्यन्ति तुरिये कौन, निश्चित ये तुरीय तत्व संबंधित निश्चय करने मतलब ब्रह्म विदोह, ब्रह्मवेत्ता पुरुष अपनी व्यापकता के स्वरूप अनुभव करने के कारण ये दोनों ही हमारे स्वरूप में नहीं है, अग्रण है अन्यथा ग्रहण है, विरुद्धत्वात्, क्योंकि जहाँ भी प्रकाश है वहाँ अंधेरा एक अधिकरण में नहीं रह सकता, विरुद्धत्वात्। दृष्टांत क्या दिया, सवितरी की वस्तम, जैसा सूर्य में कभी अंधेरा नहीं रह सकता, ठीक है ना। देखिए प्रतिज्ञा वाक्य ब्रह्मविदोह, ब्रह्मविद तुरीय उभयम न पश्यन्ति, ये प्रतिज्ञा वाक्य अकस्मात विरुद्धत्वात्। दृष्टांत क्या है, सवितरी इव तम, प्रतिज्ञा हेतु दृष्टांत, इस प्रकार वाक्य की शैली लगभग इस प्रकार के लिखने का हो जाता है। तो भाष्यकार सीधा सीधा लिख दिया कि यहाँ पे एक जगह पे दोनों है, एक जगह पे अकेला है, एक जगह पे दोनों ही नहीं है, जागृत स्वप्न में दोनों है, स्वप्न निद्रा, और सुषुप्त अवस्था में केवल निद्रा है, और स्तूरीय अवस्था में ना निद्रा है ना स्वप्न है, इसलिए बोलते हैं कि हम अत न कार्य कारणबद्ध इति उक्त स्तूरीय, इसीलिए तुरीय में कार्यबद्धता कारणबद्धता दोनों ही नहीं है, ये ऐसा कह दिया मान लिया। तो न कार्य कारणबद्ध इति उक्त स्तूरीय, से तुरीय कार्य कारणबद्धता बंधा हुआ नहीं है, ऐसा कार्य कर बोलते हैं। यहाँ पे एक नंबर टिप्पणी दिखाई दे रहा है इस पढ़ने में ना, अतो के ऊपर है, अतः 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 तुरीय कार्य कारण संपर्क असंभव, तुरीय के साथ कार्य कारण भाव के सर्वत असंश्लिष्ट पदार्थ है, किसी के साथ संबंध होना संभव नहीं है, इसलिए तुरीय में कार्य कारण भाव नहीं है, है ना, निद्रा और स्वप्न दोनों ही नहीं है। भाष्य से ये सामान्य अर्थ आ गया, अब देखिए टीका का थोड़ा थोड़ा खोलेंगे इसमें। ननु तेजसस्य एव स्वप्न प्रयुक्तत्वं युक्तम् न तु विश्वस्य प्रबुध्यमानस्य तत्योग जुज्यते, प्रबुद्ध मानत व्याघाता। ये तो हम सभी का तो एक अपना बिल्कुल आपका सिद्धांतों के साथ विरोध करेंगे, हम जगे हुए हैं, आप बोलते हो हम सोए हुए हैं, ये कैसे हो सकता है। सो करके निद्रा देखा जाता है, किसी से पूछ करके देखो भाई तू सोया हुआ है, तू सपना देख रहा है, मानेगा कोई, कोई नहीं मानेगा, हम जगे हुए हैं, सो जाते तब तो निद्रा देखते तो हम मानते हैं, इस समय हम जगे हुए हैं, हम कुछ देखा अपने इंद्रियों से दिखाई दे रहा है, उसका बोल रहे हो सोए हुए, ये कैसे तुम्हारी बात है, ये तो हमारे सिद्धांत ही गड़बड़ है, वेदांत सिद्धांत ही गड़बड़ है, पूरे सिद्धांत को शक है। तेजसस्य एव स्वप्न प्रयुक्तत्वं युक्तम्, तेजस मतलब सूक्ष्म शरीर को हित चेतन अपना कल्पना के राज्य करते वो तो हम मान सकते हैं, ठीक है ना। तेजसस्य कथा तेजसस्य एव स्वप्न प्रयुक्तत्वं युक्तम्, वहाँ पर स्वप्न देखता है अन्यथा ग्रहण होता है, ये तो हम मान सकते हैं। न तो विश्वस्य, परंतु विश्व में मतलब जागृत उपहित चेतन में तो होना संभव, प्रबुद्ध मानस तद्योग न जुंचते, नौकर यहाँ से आएगा, जगा हुआ व्यक्ति को अन्यथा ग्रहण कहना युक्ति संगत नहीं होता, जगा हुआ व्यक्ति स्वप्न देख रहा है ये पागल भी नहीं बोलेगा, अर्गोल पदाचार्य बोल रहे हैं जगा हुआ व्यक्ति स्वप्न देख रहा है कोई पागल भी नहीं बोलेगा, अर्गोल पदाचार्य बोल रहे हैं ये कहना आपका सही नहीं है। न तो विश्व से प्रबुद्ध मानस तद्योग जुंचते, अकस्मात प्रबुद्ध मानत्व व्याघाता, मैं जगा हुआ हूँ फिर भी सपनों देख रहा हूँ, ये व्याघात दोष है, व्याघात दोष है, जग करके कोई सपने नहीं देखता,
ये तो सभी को यही लगेगा कि ये जो बोल रहा है सही नहीं है, स्वप्न हम नहीं देखा, देखे वो सब कुछ देखे। प्रबुद्ध मानत्व व्याघाता, मेरे पर मेरा जगना ही बेकार हो जाएगा था। मैं जब सो रहा था रात में तब सपना देख रहा था, ठीक है, अब उठ के व्यापार कर रहा हूँ तो आप बोल रहे तू सपना देख रहा अभी भी, तो हमारा जगना ही बेकार हो गया था, व्याघात हो जाएगा यदि ऐसा शंका करने वाले बोलते हैं। कथम अविशेषण विश्व तेजसो स्वप्न निद्रा युत, तो आप कैसे सामान्य रूप से बोल दिया कि विश्व तेजस मतलब जागृत उपहित चेतन और स्वप्न उपहित चेतन चुनमचे दोनों स्वप्न दिख रहा है, ये कैसे बोल दिया? तो आपने हमारा निद्रा स्वप्न की परिभाषा को नहीं समझी, निद्रा स्वप्न की परिभाषा को नहीं समझी, इसलिए भी बोलते हैं कथम अविशेषण विश्व तेजसो स्वप्न निद्रा युत तत्र स्वप्न शब्दार्थम आह। अब इसलिए हमारा स्वप्न शब्द का अभिप्रेत अर्थ क्या है जरा सोचो समझो। तत्र चार नंबर टिप्पणी मतलब इस शंका के उत्तर में स्वप्न शब्द से हमारा अभिप्राय क्या है, ये जो हम कोई चीज कुछ है और हम उसमें भिन्न प्रकार से सोच लेते हैं, कई जगह पे ऐसा होता है घटना कुछ हुई कोई व्यक्ति अपने मन में कुछ विचार सोच लिया और उसको लेकर के बेचारा परेशान हो रहा है, कभी खुशी भी हो सकता है पर परेशान अधिक होते हैं, घटना कुछ घटी पर उसको ठीक से नहीं समझने के कारण वो परेशान होते हैं, इसलिए बोलते हैं कि तत्र स्वप्न शब्दार्थम आह। अब इस शंका के ऊपर में हमारा ये शंका को बोलना शंका को कहना चाहते हैं, क्या कह रहे हैं शंका कि स्वप्न स्वप्न अन्यथा ग्रहण, स्वप्न मतलब क्या हो गया जो वस्तु जैसा है उसका उस रूप से ग्रहण नहीं करना, यही हो गया अन्यथा स्वप्न, जो वस्तु जैसा है उसका उस रूप से नहीं समझना यही हो गया स्वप्न, ये हमारा परिभाषा है, ठीक है ना। स्वप्न मतलब निद्रा मतलब आँख बंद करके सो जाएंगे मतलब सब ये बात नहीं है, जो वस्तु जैसा है उसको उस रूप से नहीं समझ करके हम अपने मनोकल्पित भाव से सोच लेते हैं, यही हमारे स्वप्न से, इसलिए बोलते हैं यहाँ पे कि स्वप्न अन्यथा ग्रहण। दृष्टांत तो समझा दिया सर्पैव रज्जु, ये स्वयं पे रज्जु है हमने ठीक से नहीं देखा, मधु रज्जु को हमने क्या समझ लिया सर्प समझ लिया, वहाँ पे बालू है हमने ठीक से नहीं समझा हमने पानी समझ लिया, यही जो है हमारे लिए जो वस्तु जैसा है उसको उस रूप में नहीं देख करके उसको अन्य रूप में देख लेना यही स्वप्न है। अब क्या है सामने सच्चिदानंद पूर्ण व्यापक है, हम सच्चिदानंद नहीं देख करके हम क्या दिखाई दे रहा है पिता माता भ्राता सखा हिमालय नदी ये सब दिखाई देता है तदनपुर व्यवहार करते रहते हैं, यही स्वप्न है इसी को स्वप्न बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं स्वप्न अन्यथा ग्रहणम सर्प ही पर अच्छा, क्यों हम सर्प को दिखाई दे रहा है क्योंकि हमें अधिष्ठान तत्व की ज्ञान नहीं है, यानी कि सूक्ष्म इतना सूक्ष्म उसको आसानी से इस आँख से नहीं देखा जा सकता है, इसलिए उसी को देखो समझा रहे टीका का यथा रज्ज्वाम स्वर्प गृहमान अन्यथा गृहते, इस प्रकार रज्जु में सर्प देखने वाले व्यक्ति को अन्यथा ग्रहण किया भिन्न प्रकार से ऐसा कहा जाता है ऐसा माना जाता है, तथा ठीक उसी प्रकार से आत्मनि देहादि ग्रहणम अन्यथा ग्रहण, है ना, आत्मा किसको बोलते हैं मैं शरीर हूँ मैं स्थूल हूँ मैं मोटा हूँ मैं गोरा हूँ मैं काला हूँ मैं बुद्धिमान हूँ, ये सारा जो है अन्यथा ग्रहण है, सारा अन्यथा ग्रहण ये सारा स्वप्न है, ठीक है ना, ये चीज जो है वो बहुत जबरदस्त धक्का लगता है अपने, इसलिए बोलते तथा आत्मनि ठीक आत्मा में देहादि ग्रहणम शरीर आदि को मान्यता दे देना यही हो गया अन्यथा ग्रहण। यहाँ पे टिप्पणी दिखाई पड़े पांच नंबर, ठीक है ना, देहादि स्थूल अहम इति एवं विधया इति अर्थ, मैं मोटा हूँ मैं गोरा हूँ मैं काला हूँ मैं लंबा हूँ मैं बुद्धिमान हूँ मैं मूर्ख हूँ, ये सारा जो हम कल्पना करते हैं मैं के ऊपर ये सब अन्यथा ग्रहण, आत्मा में ना कोई रूप है ना नाम है कुछ भी नहीं है, इसलिए होती है अन्यथा ग्रहण हो गया। अच्छा फिर आगे बोलना है आत्मनो देहादि वैलक्षण्यस्य श्रुति युक्ति सिद्धत्वात् तेन स्वप्न शब्दि तेन, आपको पुस्तक में क्या लिखा है स्वप्न शब्दि नेता, हाँ इसको उल्टा होता है ठीक से पढ़ो उसको, स्वप्न शब्दि नेता लिखा है ना, शब्द शब्दी तेन तो और ना को उल्टा कर दो, हम भी तो कई देर तक चुप ठोकर खाते रहते हैं भीड़, अरे हम शब्दी तेन पढ़ तो जाते हैं पर जब ठीक से देखा तब देखा नहीं, शब्दी नेता और तेन तेन शब्दी तेन 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 शब्दी तेन तो और ना को उल्टा कर देना, शब्दी तो मतलब कथित और तृतीय एक वचन उसका उसका तृतीय एक वचन शब्दी तेन स्वप्न शब्द तेन, क्या बोला कि आत्मन देहादि वैलक्षण्यस्य आत्मा शरीर से विलक्षण है
शरीर का जो लक्षण है क्या है, शरीर दूर शरीर से पूछने लेकर के जन्म न मरना, भूख प्यास सुख दुख भरना घटना, ये सब जो है शरीर के धर्म, और आत्मा इस सब से रहित है, विलक्षण है, बिल्कुल विलक्षण है। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं आत्मन देहादि वैलक्षणस्य, देहादि से आत्मा विलक्षण है, इसका स्तुति युक्ति सिद्धांत स्तुति से भी सिद्ध हो गया और युक्ति से भी समझ भी आता है। क्यों, क्या युक्ति है, अपने ही सारा परिवर्तन को मैं समझता हूँ, अपने अपने इस शरीर के सारा परिवर्तन को मैं समझता हूँ, शरीर में अंदर से बाहर से कितना परिवर्तन बदल गया, फिर भी वही मैं हूँ, फिर वही मैं हूँ, इसी यही प्रमाण है युक्ति सिद्धता है ना। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि देहादि वैलक्षण, यहाँ पे सारा परिवर्तन शरीर का है, एक परिवर्तन को देखने के लिए एक अपरिवर्तनीय तत्व चाहिए, इसलिए युक्ति के आधार पर आत्मा में कोई मतलब परिवर्तन व्यभिचार नहीं है, ये हमको समझ में आता है। तेन शब्द शब्द तेन स्वप्न शब्द तेन, इसलिए इस कारण से उसको स्वप्न शब्द के द्वारा कहा जाता है, इसी को अन्यथा ग्रहण संशिष्टत्व, इसलिए अन्यथा ग्रहण के द्वारा जुड़ा हुआ है कौन, विश्व तैयसो और विशिष्टत्म दोनों में समान है, विश्व तेजस में अन्यथा ग्रहण दोनों में समान है। ये आत्मानो देहादि वैलक्षण षष्ठी आत्मन, जो देहादि से विलक्षण है, श्रुति युक्ति सिद्धता श्रुति अत्युक्ति से सिद्ध होने के कारण तेन स्वप्न शब्द तेना, इसके फल स्वरूप आत्मा विलक्षण है, स्वप्न शब्द के द्वारा अन्यथा ग्रहण लेना, उसको अन्यथा स्वप्न कहा गया है, संशिष्टत्म उसके साथ जुड़ा हुआ आत्मा नहीं है, कौन है, विश्व तेजस उपाधि जुड़ा हुआ है, उपाधि चेतन अधिष्ठान के बिना व्यवहार नहीं कर सकते पता लगे, परंतु जो जो उपहित हो रहा है उसमें कोई व्यवहार नहीं है, उपाधि में व्यवहार, इसलिए विश्व तेजस है और विशिष्टम दोनों में सामान्य है, इति अर्थ है। ठीक है, फिर आगे होते तथापि निद्रानस्य अथवा निद्रितस्य, क्या लिखा है यहाँ पे, निद्रान, ठीक है, असाना हुआ है वहाँ पे, अब तुम्हारा निद्रित निष्ठा रूप होगा, है ना, दोनों में से एक अर्थ एक ही होगा, तथापि सोया हुआ व्यक्ति का ही, ठीक है, निद्रित व्यक्ति का ही निद्रा युक्त हो स्वप्न देखते, ये कहना संभव है, न तो प्रबोध हो तो विश्व मतलब जो जगा हुआ है विश्व उसमें निद्रा हो, यह कैसे बोल सकते, इति आशंका, ठीक है, आपने ठीक है सोया हुआ व्यक्ति स्वप्न देख रहा है ये कहना तो ठीक है, जगा हुआ व्यक्ति स्वप्न देख रहा है यह कैसे बोल रहे हो, ठीक, ये तो होना संभव नहीं है, तथापि ठीक है, ये आपका स्वप्न का परिभाषा अन्यथा ग्रंथ मान दिया, फिर भी निद्रानस्य एव निद्रा युक्त अथवा निद्रितस्य एव निद्रा युक्त, न तो प्रबोधवत, जो जगा हुआ व्यक्ति है उसका कौन है, विश्व समग्र व्यष्टि उपहित स्थूल अभिमानी चेतन, व्यष्टि स्थूल अभिमानी चेतन, उसमें भी वो अन्यथा ग्रंथ ये कैसे कह सकता, उसमें वो सोया हुआ ये कैसे कह सकते, इसके उत्तर में बोलते हैं, तो छह नंबर टिप्पणी को देखिए, तथापि ठीक है ना, तथापि को है, हाँ, उक्त रिक्ता विश्वस्य स्वप्न द्योतत्य सिद्ध्यपि, जैसा आपने कहा उस प्रकार से स्वप्न से जुड़ा हुआ होने पर भी मतलब जागा हुआ व्यक्ति स्वप्न कैसे देखेगा, यदि निद्रा में जाता तो स्वप्न देखता, परंतु तो जागा हुआ व्यक्ति स्वप्न कैसे देखेगा, तब बोलते देखो हमारे यहाँ पे जिसको तुम जगह समझो शास्त्रीय भाषा में उसको जगा हुआ नहीं बोलते हैं, यहाँ बोलते तत्व, इसी नाम उत्तर में क्या बोला, निद्रा उक्ता तत्व अप्रतिबोध लक्षणम तम, निद्रा क्या है कि तत्व को नहीं जानना नहीं समझना, यही निद्रा है, ये अनादि शांत विद्या विरोधी भाव वस्तु, ठीक है ना, इसे बोलता है निद्रा उक्ता तत्व अप्रतिबोध लक्षण अप्रतिबोध लक्षणम तम, निद्रा मतलब क्या, तत्व को ठीक से नहीं समझना के लक्षण के द्वारा लक्षित होता है, जो आवरण उनका ज्ञान थी उसको हम निद्रा बोलते हैं, उसको हम निद्रा बोलते हैं। अब क्या हो गया टीका में, फिर उक्ताभ्याम स्वप्न निद्राभ्याम विश्व तैजसयो वैशिष्ट्यम निगमयति, इस प्रकार से ये दोनों कौन निद्रा और स्वप्न, इन दोनों के द्वारा उक्ताभ्याम जो कहा गया है निद्रा और स्वप्न व निद्रा, इन दोनों के द्वारा विश्व तैजसयो वैशिष्ट विश्व और तेजस में जो विशेषता आता है उसको प्रसंहार करता है, उसकी विशेषता की जो भाव मतलब कहता है अन्यथा ग्रहण, तेजस का मतलब तेजस बोला ना सूक्ष्म शरीर, व्यष्टि सूक्ष्म शरीर उपहित चेतन का नाम है, व्यष्टि सूक्ष्म शरीर उपहित तेज चेतन जो है उसका नाम है तेजस, और समष्टि को बोलते हिरण्मय, समष्टि को हिरण्मय, तेजस मतलब सूक्ष्म शरीर उपहित चेतन मतलब व्यष्टि, क्योंकि उसको तेजस क्यों बोला, सूक्ष्म शरीर जो है ना वो क्या होता है सारा विषय का प्रकाश करते हैं,
तन्मात्र से बना हुआ विषय प्रकाश करते हैं, इसलिए जो है उसको तेजस शब्द बदल रखा। तो ताभ्यम स्वप्न निद्राभ्यम युक्त विश्व तेजसो, विश्व हो गया स्थूल शरीर अभिमानी चेतन और तेजस हो गया सूक्ष्म शरीर अभिमानी चेतन के व्यष्टि में। अच्छा, अब फिर आगे बोलते हैं तयोर अन्यथा ग्रहणेन अग्रहणेन च वैशिष्ट्यम प्रागपि सूचितम इति आह। अत बोलते हैं इन दोनों का कौन सा विश्व तेजसयो, तयो मतलब हो जाएगा विश्व तेजसयो, ठीक है ना। अन्यथा ग्रहणेन अग्रहणेन च, ठीक है ना, अन्यथा ग्रहण और अग्रहण इन दोनों के द्वारा वैशिष्ट्य प्रागपि, इन दोनों की विशेषता है, इन दोनों क्या करता है अग्रहण भी है अन्यथा ग्रहण, ये पहले भी कहा गया है, ये पहले अग्रहण मतग्रहण ना, ये जो है अब देखिए कि जो द्वैतस्य ग्रहणम तुल्यम उभयो प्राज्ञ तु उदयो, ठीक है ना। परंतु बीज निद्रा जो तो अप्राज्ञ साधु जो ये ना विद्यति, यहाँ पे जो है ये प्राज्ञ यहाँ पे दोनों में ये कहा गया। अब विश्व तेजस को लेकर कहा था आपका कि यहाँ पे कारणबद्ध हो तो इष्यते विश्व तेजसो, जो ग्यारह नंबर तयोर अन्यथा ग्रहणेन अग्रहण च वैशिष्ट प्रागपि प्रकापि, ग्यारह नंबर पे संज्ञा शुरू हुआ था सूचितम इति आहुषक मन में रखते होते हैं। अतः तो कार्य कारणबद्ध इति उक्तो कार्य कारणबद्ध हो तो इष्य तेजसो, तो अविशिष्टता सामान्य रूप है, ठीक है ना। तयोर अन्यथा ग्रहणेन अग्रहण च वैशिष्ट्यम प्रागपि प्राग मतलब नंबर इलेवन जिससे शुरू किया था हमने कार्य कारण बद्धौ सूचितम इति हम, अतः तो कार्य कारण बद्धौ इति उक्तौ। ये आपका इस श्लोक का स्वप्न निद्रा युतो आदो प्राग्नस्तु अस्वप्न निद्रया, तो हमें बताए द्वितीय पाद, द्वितीय पाद क्या है श्लोक का प्राग्नस्तु अस्वप्न निद्रया, है ना, उसका अर्थ करते हैं। द्वितीय पादम विभजत उसको अलग करके दिखाते हैं, क्या होता है प्राग्नस्तु भाष्य में स्वप्न वर्जित केवलया एव निद्रया युतः इति कारणबद्ध इति उक्तम, ठीक है ना। प्राग्न क्या है कि केवल स्वप्न वर्जित केवल निद्रा के तरह जुड़ा हुआ है, इसलिए वो केवल का ये कारणबद्ध केवल अज्ञानी है, वहाँ पे कार्य नहीं है, मतलब वहाँ पे बीज है परंतु फल नहीं है, बीज है फल नहीं है, अग्रण है अन्यथा ग्रहण नहीं है, कहाँ प्राग्न बीज निद्रा जित अपराग, ये तेरा नंबर मिलेगा बीज निद्रा जित अपराग, वहां पे कहा गया है। द्वितीयार्थम व्याचष्टे, अब जो श्लोक की आधा दूसरा आधा भाग न निद्रा नैव च स्वप्नं तुरीय पश्यन्ति निश्चितः, ठीक है ना, द्वितीय भाग है उसको बोलते हैं द्वितीय अर्थं व्याचष्टे, न उभयं पश्यन्ति तुरीय निश्चिता ब्रह्मविद विरुद्धत्वात् सवितरिव तम, है ना। यहाँ पे तुरीय उभयं ब्रह्मविद तुरीय उभयं न पश्यन्ति, ब्रह्मविद मतलब निश्चिता का अर्थ करते ब्रह्मविद, ब्रह्म तत्व को अनुभव करने वाला व्यक्ति तुरीय में इन दोनों को नहीं देखता, ब्रह्मविद तुरीय तक उभयम न पश्यन्ति, नहीं देखते हैं, इसे बोलते हैं द्वितीय तक उभयम। तुरीय निद्रा स्वप्नयोर अदर्शन हेतु, तुरीय अवस्था में निद्रा और स्वप्न दोनों ही नहीं है, इसके पीछे कारण क्या है विरुद्धत्व, इनको प्रकाश रूप है या अज्ञान रूप है, ये दोनों ही नहीं है। निद्रा हो गया आपका तब तो अग्रहण, स्वप्न हो गया अन्यथा ग्रहण, दोनों नहीं है क्योंकि वहाँ पे अग्रहण नहीं है, इसलिए बोलता है स्वप्न अदर्शन हेतु क्या है विरुद्धत्व, एक ही साथ एक स्थान में अंदर और प्रकाश, ज्ञान और अज्ञान, जिस विषय संबंधित ज्ञान आपको है उस विषय संबंधित अज्ञान आपको नहीं रह सकता, जिस विषय क्योंकि ज्ञान हमेशा तब विषय संबंधित अज्ञान को मिटा करके उत्पन्न होगा, हमेशा किसी भी विषय का ज्ञान देखो, किसी भी विषय का ज्ञान तब संबंधित अज्ञान को मिटा करके उत्पन्न होता है, इसलिए दोनों एक साथ नहीं रह सकता है। इसलिए बोलते हैं यहाँ पे ये तुरीय निर्दश प्रदर्शन का विरुद्धत्व इति अज्ञान टीका, अज्ञान तत्कार्यो नित्य विज्ञप्ति रूपे तुरीय विरुद्धत्व अनुपलब्धि इति अत्र दृष्टांत आह। अज्ञान और उसके कार्य इन दोनों का, अज्ञान और अज्ञान की कार्यो, अज्ञान हो गया आपका तब अग्रह और उसका कार्य हो गया अन्यथा, इन दोनों का नित्य विज्ञप्ति स्वरूप, नित्य ज्ञान स्वरूप जो तुरीय है, नित्य ज्ञान स्वरूप में कभी ज्ञान कभी अज्ञान नहीं हो सकता है,
बताया नित्य विज्ञप्ति स्वरूपे अथवा रूपे विज्ञप्ति रूपे तुरीय विज्ञप्त बोध स्वरूप तुरीय उसमें विरुद्धत्व एक ही जगह पे जो है दोनों विरुद्ध धर्म नहीं बैठ सकता है क्या विरुद्धत्व विरुद्ध अनुपलब्धि वहाँ पर उपलब्ध नहीं होता इति अत्र इस विषय में दृष्टांत दे रहे हैं भाष्यकार क्या बोलते हैं सवितरी इव तमः इस प्रकार सूर्य में अंधेरा नहीं रह सकता है सूर्य में अंधेरा कभी भी नहीं रह सकता इसको बोलते हैं दृष्टांत में सवितरी इव तमः तुरीय वस्तुतः न अविद्या तत्कार्यो संगति अस्ति तुरीय अवस्था में मतलब तुरीय मतलब शुद्ध अधिष्ठान में वस्तुतः मतलब पारमार्थिक दृष्टि से अविद्या तत्कार्य अविद्या और उनकी कार्य को न संगति अस्ति उन दोनों को मिलना तुरीयों के साथ मिलना संभव नहीं है तुरीयों के साथ अज्ञान और अज्ञान की कार्य को मिलना संभव नहीं है तो संगति संगति ही अस्ति यहाँ पर यद्यपि संपूर्व द्वम धातु जो है आत्मनिपदी हो जाते कि तुरीय वस्तु तो न अविद्या तत्कार्य संगति अस्ति संगति भी कर्तमान है मतलब वहाँ पे वो मिल नहीं सकते नहीं हो सकता इति प्रागपि सूचित पहले भी कहा गया है इति आह उसी को मन में रखते कहते हैं अतो न कार्यबद्ध इस कार्य कारणबद्ध तुरीय कार्यबद्धता कारणबद्धता दोनों ही नहीं है तुरीय में अतो न कार्य कारणबद्ध इति उक्त स्त्री पता तुरीय ऐसा नहीं ऐसा कहा गया है। अब जो है सामान्य रूप से विभाजन दिखाई दिया अब जो आपने निद्रा और स्वप्न को प्रयोग किया शब्द प्रयोग किया आपका परिभाषा क्या है जो पहले बोल करके आया अब उसी परिभाषा को स्पष्ट करके कह रहा है यहाँ पे ठीक है। अब देखिए बोल रहे हैं टीकाकार बोलते हैं कदा तरी स्वप्न भवती अपेक्षायाम किस समय स्वप्न होता है आपने बोला जग कर भी स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न होता कैसे किस समय होता है कदा तरी स्वप्न भवती की अपेक्षायाम जिस समय हमारा अन्यथा ग्रहण होगा वही स्वप्न हो जाएगा जब तक अन्यथा ग्रहण होगा वो आपका स्वप्न होगा ये होगा क्यों है क्योंकि अग्रहण है तब अन्यथा ग्रहण होगा वो अग्रहण पे निद्रा को लगता है। अब ये विपर्यासे श्लोक को पढ़ लेते हैं तब देखो अन्यथा गृह्णतः स्वप्न अन्यथा गृह्णतः स्वप्न निद्रातत्त्वमजानतः विपर्याशेतयोक्षीणे तूरियं पदमश्नुते अन्यथा गृह्णतः स्वप्नो निद्रातत्त्वमजानतः ये स्वप्न का परिभाषक है अन्यथा गृह्णतः भिन्न रूप से ग्रहण करना इसको हम स्वप्न शब्द द्वारा कहते हैं अन्यथा गृह्णतः भिन्न रूप से ग्रहण करना इसी को ही हम स्वप्न कहते हैं और निद्रा क्या है तत्त्वम अजानत तत्त्व को नहीं जानना इसी को हम निद्रा बोलते हैं तत्व को नहीं जानना कोई हम निद्रा बोलते हैं वहाँ पे वास्तविक क्या है ये नहीं जानना ही हमारी निद्रा है और उस नहीं जानने का फलस्वरूप जो हमें अभिन्न रूप में देखा ये हो गया आपका अन्यथा है ना। यही हमारे जीवन में हर जगह पे समस्या के कारण होता है किसी भी जगह पे आप देखिए कहीं भी कुछ समस्या है संबंधता उसके पीछे उसको देख ठीक ठीक देखने वाला व्यक्ति वो निश्चय कर लेते हैं कि अरे ये व्यक्ति कुछ बोल रहे ये व्यक्ति कुछ बोल रहे हैं परंतु वास्तविक तत्व ये नहीं है यदि एक मुझे समझ जाए तो इसमें ये होना नहीं है ये वास्तविक तत्व को नहीं समझने के कारण हम अन्य रूप में ग्रहण कर लेते हैं। मान लीजिए किसी दिन कोई बच्चा स्कूल से देर से आया थोड़ा बड़ा है तो स्कूल में हो सकता है कि वहाँ पे कोई एक्स्ट्रा क्लास हो रहा है मम्मी की चिंता होने लगता है बच्चे क्यों नहीं आ रहा कहीं रास्ते में कुछ हो गया क्योंकि यथार्थ ग्रहण नहीं हो रहा है उस समय कि बच्चे स्कूल पर गठन नहीं हो रहा वो अन्यथा ग्रहण हो रहा है और उसके अटेंशन बढ़ रहा है हर जगह पे ये चीज लागू है यदि ये सिद्धांत ये अन्न अग्रहण के कारण ही अन्यथा है जब घर में आता है बोलते हैं तब उनको निश्चिंत होता है ये जो है अब निद्रा तत्त्वम अजानत तत्त्व को नहीं समझना को हम निद्रा बोलते हैं। विपर्यासे मतलब ये बी और परि उपसर्ग पूर्वक अस्थापित से भय प्रत्यय करके बनते हैं विपर्यास शब्द बी और परि जो कुछ लगा है अस्थापित से भय प्रत्यय करके बनते हैं
मतलब वैपरीत्य अथवा जो व्यतिक्रम है ना, ये जो विपरीत का भाव जो अपने अष्टधातु के साथ घ प्रत्यय किया घ और उसमें यो यो इस वजह के कारण वहाँ पे आंस हो गया, आंस हो गया, मृत्यु हो गया वहाँ पे। बी और परी उपसर्ग लगवा भी था, उपसर्ग आ गया आपका पर अपसम स्नेह दुष दुर्वी है ना, तो ये दो उपसर्ग है यहाँ पे, उपसर्ग है विपरी विपर्यास विपर्यास पहले प्रातिपदिक बना विपर्यास, ये विपर्यास मतलब विपरीत ग्रहण, ये विपरीत ग्रहण छीने यानी उसके साथ अन्य होता है तयोर विपर्यास ये अग्रहण और अन्यथा ग्रहण जो कि जो विपरीत ग्रहण हो रहा था वो क्षय होने पर क्या होता है तुरीय पदम स्मृते है ना, जो इससे विलक्षण जिसको चतुर्थ रूप में लक्षित किया जाता है वो पद को आप देखिए पद्यते इति पाद पदम यानी ना पदम स्मृते तुरीय पदम तो पद्यते इति वहाँ पे जो सुवायमा चतुष्पाद बोला था यहाँ पे चतुष्पाद में आप पहुँच गया अभी तुरीय पद को कैसे उसके ऊपर चल करके अब तुरीय पद में यहाँ पे पद शब्द कहते हैं पद्यते इति पद मतलब पाद पद एव पाद इस प्रकार है ना अश्नुते प्राप्त किया अश्नुते अश्नुते अश्नु अष्टधातु है अष्टधातु अक्षर होता है खाना अर्थ में अश्नातु अश्नातु ये फिफ्थ कंजुगेशन का धातु है नू आता है वहाँ विकरण तो क्या हो गया हमारे परिभाषा को ध्यान रखने से लोग को याद रखेंगे तो आपका कोई ये नहीं है अन्यथा गृहत स्वप्न निद्रा तत्तम अजानत विपर्याशे तयोशिने तुरीयम पदमस्तु ठीक है ना, ये दोनों जो विपरीत ग्रहण है इसका क्षय हो जाने पर तब हमें जो तथार्थता है तुरीय पद स्वरूप का बोध होगा। विपरीत ग्रहण और अन्यथा ग्रहण एक ना विपरीत ग्रहण और अन्यथा ग्रहण एक ही विपरीत ग्रहण मतलब उल्टा जो नहीं था उसका उल्टा हो गया विपर्यास मतलब यहाँ पे वैपरीत्य कुछ भाव व्यतिक्रम उल्टा हो गया उसको अन्य क्षण हो गया तो अन्य क्षण के पीछे आपका हेतु है अग्रह ये दोनों जब क्षय हो जाते हैं तो ये उसी ने गीता में भी या निशा उसने हाँ बिल्कुल ज्ञान तो वहाँ पे ज्ञानी के लिए कहा कि उसके लिए वो रात है इसके लिए दिन ये जैसे बोल रहे हैं बिल्कुल उसी से जैसे बोल रहे हैं विपर्यास तयोशी ने तुरीय पदम स्मृति तुरीय पद को प्राप्त कर तो यहाँ पे देखिए तीन प्रश्न उठा रहे हैं एक टीकाकार देखिए कदा तरी स्वप्न भवती इति अपेक्षाया आहो इसका अपेक्षा में उत्तर कि निद्रा तरी कदा भवती इति संदिहान कदा इति संदिहान प्रति आह निद्रा किसको बोलते हैं उसका भी और भगवान भाष्यकार एक शब्द का कदा तुरीय निश्चित भवती अब देखिए तीन शंका का उत्तर यहाँ पे हो रहा है हाँ वो देखिए टीकाकार लिख रहे हैं यहाँ पे पहले देखिए टीका में कदा तरी स्वप्न भवती स्वप्न कैसे किस समय होता है और स्वप्न किसको बोलते हैं ये पहला शंका इति अपेक्षाया माओ इस प्रकार शंका होने पर उत्तर क्या दिया अन्यथा गृहत स्वप्न जो अन्यथा ग्रहण होता है इसको हम स्वप्न ठीक है ना अन्य रूप में ग्रहण होता है कुछ सोच लिया कुछ ये हो गया अन्य इसको स्वप्न बोलते हैं अच्छा फिर दूसरा शंका तब निद्रा क्या होगा निद्रा तरी कदा इति संधिहान प्रति शंका करने वाले के प्रति बोलते हैं प्रत्यय निद्रा तत्व अजानत निद्रा क्या है वहाँ पे क्या वस्तु है उसको नहीं जानना हेतु है निद्रा रूपी हेतु और ये हो गया आपका फल ये बीज और ये फल नहीं जानना और नहीं जानने के कारण भिन्न रूप में समझ लेना ये हो गया आपका कि कदा तरी स्वप्न भवति अपेक्षाएं आहु उत्तर दिया अन्यथा भिन्न स्वप्न अब निद्रा का वक्त निश्चय किसको बोलेंगे उसको उस प्रकार संदेह करने वाले के प्रति संदिहान प्रति निद्रा तत्तम अजानत नॉट नोइंग ऑफ द फैक्ट दिस इज स्लीप एंड ड्रीमिंग इन थिंकिंग इन अदर वे मिसअंडरस्टैंडिंग दैट इज द इफेक्ट फल वो फल है तो कॉज एंड इफेक्ट तो ये दोनों अब क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है तुरीय कब जानेंगे हम भाष्यकार बोलते हैं तृतीय शंका तीन शंका बोला हमने एक शंका हो गया स्वप्न किसको बोलते हैं दूसरा शंका का निद्रा किसको बोलते हैं और तुरीय पद कब समझ में आएगा तब बोलते हैं ये बोलते हैं कि कदा तुरीय निश्चित भवति उसको कहते हैं विपर्यास्य थर्ड प्रश्न का उत्तर हो गया ये दोनों विपरीत अन्यथा ग्रहण या विपरीत ग्रहण यदि आपका मतलब अग्रहण अन्यथा ग्रहण यदि नाश हो जाता है तब तुरीय पद को प्राप्त होता है तीन प्रश्न का उत्तर इस श्लोक में दिया ठीक है ना ये मूल में नहीं है ये कारिका की विशेषता है ये कारिका की विशेषता आप देखिए यहाँ पे तीन नंबर टिप्पणी दिखाई पड़ रहे हैं है ना तीन नंबर कदा तरी ठीक है ना तुरीय निश्चय काले
स्वप्न निद्रयोर अदर्शनम चे तद अभाव काले तद उभयन भवितव्यम तत्र योगपद्य विरोधम मनवान विवेकम पृच्छति। देखिए जिस समय आप समाधि में बैठते हैं ध्यान भजन करते हैं उस समय आपका द्वैत दर्शन नहीं होता है, परंतु जैसे आप उठ जाते हैं द्वैत दर्शन होता है, ठीक है ना। इसलिए बोलते हैं तुरीय निश्चय काले, जिस समय आप तुरीय संबंध निश्चय करेंगे उस समय क्या होगा, स्वप्न निद्रय अदर्शनम से तुरीय काल में, उस काल में आपका स्वप्न निद्रा नहीं रहेगा। यदि ऐसा ही है तद अभाव काले मतलब जिस समय निश्चय नहीं रहेगा उस समय फिर क्या होगा, स्वप्न निद्रा होने लग जाएगा। यही सबसे बड़ा एक जो है अन्य ज्ञान की तुलना में इस ज्ञान की विशेषता, क्या विशेषता है, बचपन में कोई ज्ञान हमने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स अंग्रेजी इंग्लिश कुछ भी हो हमने प्राप्त किया, बुढ़ापा में हो सकता है थोड़ा उसका विस्मृति हो जाए क्योंकि वो बुद्धि उसके बीच में एक मीडियम था, परंतु आत्मज्ञान अपरोक्ष होता है, वो किसी के माध्यम से नहीं। बुद्धि की फंक्शन कम हो गया तो मेरा समझ कम हो गया, बुढ़ापा में ऐसा होता ही है, परंतु जो बुद्धि की भी अपेक्षा अपरक्ष अनुभूति मतलब जो किसी की अपेक्षा नहीं रखते रहता है किसी की हमेशा एक रूप रहता है, पर हमारा बुद्धि में क्या बैठा है, ठीक है इस समय तो मेरे तत्व संबंधी चिंता कर रहा हूँ तो हमारा अग्रहण अंतग्रहण चला गया, किंतु जिस समय चिंता छूट जाएगा फिर हमारा क्या अग्रहण अंतग्रहण हो जाएगा, बोलते ऐसा नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे ऐसा नहीं है। इसलिए होता है तुरीय निश्चय काले स्वप्न निश्चय अदर्शनम से तुरीय समय निश्चय करते उस समय स्वप्न निद्रा का दर्शन नहीं होते, ऐसा ही है तद अभाव काल में मतलब तुरीय निश्चय के अभाव काल में, तुरीय निश्चय के अभाव काल में तद उभय न भवित तत्व हमें फिर स्वप्न स्वप्न निद्रा आ जाएगा मतलब निद्रा स्वप्न आ जाएगा भवितव्य तत्र योगपद विरोध मनवान विरोध, परंतु एक साथ जो है तुरीय का भी ज्ञान रहे और स्वप्न निद्रा ये तो होना संभव नहीं है, इसलिए कैसे होगा, निश्चित ही है कि आपका तुरीय का ज्ञान होने पर क्या हो जाएगा कि निद्रा स्वप्न छूट जाएगा। तो तुरीय वाला कि हर टाइम तुरीय में रहेगा, हर टाइम तुरीय में तो नहीं रहेगा, आपका आपका पास पेन है, ये पेन है आपको जब उद्योग उपयोगिता आता है तब आप जेब से पेन निकल से बैग से पेन निकल कर तो आपका पास है ना, आप कॉन्फिडेंट है आपका कॉन्फिडेंस है हाँ मेरे पास पेन है ठीक है व्यवहार कर में निकालेंगे बाकी सामान्य प्रारब्ध का जो व्यवहार हो रहा है वो रहे प्रारब्ध पर होगा क्या कि प्रारब्ध के व्यवहार में इस समय जैसा अज्ञान का समय जैसा एक तादात्म्यता होती है वो तादात्म्यता तो हमेशा के लिए छोड़ी जाती है, तादात्म्यता नहीं करते कभी, वही मुख्य रूप से है ये जो शरीर भी रहेगा जगत भी रहेगा परंतु मेरा भाव जगत रहेगा उस समय जब तक उसका प्रारब्ध करेगा ना मैं और मेरा भाव मैं तो व्यापक किसी उसमें विषय नहीं आएगा मेरा भाव चला। इसलिए हमें बोलते हैं तुरीय निश्चय काल स्वप्न निर्दय अदर्शनम चे तद अभाव काले तद उभयेन भवितव्य तत्र योगपद्य विरोध मनवान विवेकम पृच्छति। बोलो कैसे होगा कदा, ये बोला कदा तरी स्वप्न भवति इति अपेक्षाया। फिर चार नंबर टिप में कार्य कारणयोर अविरुद्धम युगपद अवस्थानम इति उत्तरम अवतारयति। बोलते हैं कार्य और कारण जो है एक साथ रह सकता है, कार्य और कारण एक साथ रह सकता है, कारण क्या है अग्रहण और कार्य क्या है अन्यथा ग्रहण, ये दोनों तो एक साथ रह सकते हैं। इसे बताया कार्य कारण है और विरुद्धम युगपद अवस्थान एक साथ रहने की स्थिति उसको मन में रखकर उत्तर और उत्तर देते हैं और निद्रा तही कदा संदिहानम प्रति उत्तर तत्व अजान मतलब तत्व को नहीं जानना ये हो गया निद्रा और उसके लिए तो अन्यथा ग्रहण ये हो गया स्वप्न निद्रा। अब तुरीय प्रतिपत्ति समयम संगीरते ये तुरीय की बोध का होता है जो भगवान भाष्यकार बोलते हैं ना कदा तुरीय निश्चित भवति इति उच्यते। तुरीय का निश्चय कब होता है तो तुरीय प्रतिपत्ति समय तुरीय निश्चयति कलो समय सिद्धांत तो उसको समय शब्द का अर्थ सिद्धांत भी होता है समय शब्द का टाइम भी होता है। सम्यक रूपेण गृह्यते गृह धातु है गृणात हाथ स्पष्ट करके बोलना सम्यक रूप से अथवा जैसे होते हैं ना रोरिंग ये वेदांत डिंडी में बुद्धघोष है विपर्याशेतयो चिन्ह है ना तो श्लोक में ये प्रतीक ऊपर में आएगा श्लोक में आएगा ये विपर्याशित योचिने तुरियम पदमस्कृते। अब टीका कर लेते हैं श्लोक व्यावर्त्यम आकांक्षां दर्शयति श्लोक व्यावर्त आकांक्षां दर्शयति श्लोक के द्वारा निराकरण करने के योग्य जो शंका है उसके आगे पहले श्लोक व्यावर्त मतलब श्लोक के द्वारा निराकरण करने योग्य जो जो आकांक्षा इसके तरह ये मतलब किस समय स्वप्न किसको स्वप्न बोलते हो किसको निद्रा बोलते हो उसको स्पष्ट करके बोलो उसको दिखाते हैं कदा तुरीय निश्चित हो भगवत तुरीय में निश्चय कदा होता है
आपने अपने आप बोलना है, देखिए कदा स्वप्ननिष्ठ भवति कदा निद्रानिष्ठ भवति स्यात् इति द्रष्टव्य। किंतु वहाँ पे जो है ऊपर टीकाकार बोल क्या कहा, इस प्रकार से प्रश्न त्रयस्य उत्तरम श्लोकेन दर्शयति, ये तीन प्रश्न का उत्तर श्लोक के द्वारा दिया अध्ययन में रखे। और पहला वाला होगा अजम अपि योगम प्रापदैश्वर्य योग, बिल्कुल पीछे अगतिम च गतिमत्तां प्रापदेकं हि अनेकं विविध विषय धर्म ग्राहि मुग्धे क्षणानां प्रणत भय विहन्त्री ब्रह्मजगन्नपुरस्मि। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्।